हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक इट चैनल को और दबाइए उस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक इट चैनल में। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि ट्रिपल सी से संबंधित हैं। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का अन्य कोर्स कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है ए फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स, एक फ्लॉपी डिस्क अपने साथ क्या रखता है? तो इसका सही आंसर होगा सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर, दोनों ही चीज़ें रखता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेटेस्ट आईटी गैजेट है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका कौन सा एक लेटेस्ट आईटी गैजेट्स है? तो देखिए, पेन विद कैमरा और ड्रोन कैमरा, तो ये दोनों ही आपके लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं। दो प्रश्न हो गए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हार्ड डिस्क इज कोडेड इन बोथ साइड अबव, हार्ड डिस्क के दोनों तरफ किसका कोड होता है, किससे कोडेड होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम लोग, इनमें से बायोस किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? बायोस जो होता है आपका, देखिए BIOS बायोस होता है, तो बायोस की अगर फुल फॉर्म पूछते हैं तो हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपका किस प्रकार का स्टोरेज है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव जो दिया गया है आपका, कौन सी डिवाइस जो है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है? इन चारों में से, सॉरी तीन डिवाइस दी गई हैं, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी डिवाइस है जो आपके प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह यूज़ करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। OMR की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्टिकल मार्क रीडर, और MICR की फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये चारों फुल फॉर्म, यहाँ से आप लोग तीनों फुल फॉर्म याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं कॉपी में। और अगर नए हैं आप लोग, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर से संबंधित सारी वीडियोज़ यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी, और अगर अन्य किसी टॉपिक पे आपको स्टडी मटेरियल्स मुझसे चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर छः बोल रहा है सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ये जो चार दी गई हैं चारों पॉइंट करने वाली ही डिवाइस हैं, लेकिन सबसे कॉमन की बात कर रहा है। तो सबसे कॉमन आपकी डिवाइस है माउस, माउस जो है वो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में आती है। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछ रहा है कंप्यूटर के द्वारा जो आपका रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट रिजल्ट, कंप्यूटर के द्वारा आपका आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ की बात करते हैं हम लोग, ये कुछ इस प्रकार से है, कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑप्शंस को साथ साथ करने की अनुमति देती है? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो आपको रीड और राइट दोनों करने का परमिशन देती है? तो ये आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ये है आपकी रैम। रोम में आप लोग राइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ आप लोग रीड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन पूछ रहा है रिसाइकल बिन जो है वो सेल्फ कन्फिगर हो जाता है ताकि ये आपके हार्ड डिस्क का कितने परसेंट फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5%। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें से कंप्यूटर का कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है, किसको हम लोग कंप्यूटर का हृदय कहते हैं? तो इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, और अगर बात करते हैं CPU की तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हृदय की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर।
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखिए सबसे ज़्यादा जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग कंप्यूटर पे कीबोर्ड का ही करते हैं। कीबोर्ड आपकी जो है वो मोस्टली कॉमन इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कर देना है। देखिए आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़े होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो उस आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे हार्ड कॉपी। ध्यान रखिए जो भी प्रिंटेड हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं और जो मॉनिटर पर शो होता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, USB इज़ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, जो आपकी USB है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो ये आपका है टेरिटरी डिवाइस, ये आपकी टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है। तो देखिए हाई स्पीड मेमोरी किस में प्रयोग होती है कंप्यूटर में, तो हाई स्पीड मेमोरी का जो कंप्यूटर में प्रयोग है वो होता है कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी आपकी सबसे हाई स्पीड मेमोरी होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो यहाँ से कैश मेमोरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस संभव करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस मेक्स इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल करती हैं। ऑप्शन देखिए, डेटा को देखना और प्रिंट करना, या डाटा को स्टोर करना, या डाटा को इनपुट करना। देखिए आउटपुट डिवाइसेस का काम स्टोर करना या इनपुट करना नहीं होता है, इनपुट करना काम होता है इनपुट डिवाइसेस का। तो आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है डाटा को देखना और प्रिंट करना। डाटा को देख सकते हैं आप, इसका ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर, और प्रिंटर के द्वारा आप इसे प्रिंट कर सकते हैं अपने पेज को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत सूचना का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर की भाषा में हम लोग अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, महत्वपूर्ण डाटा और समझने योग्य, जो भी हमारा डाटा इम्पोर्टेंट है और समझने योग्य है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग उसे, वो आपका एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो प्रोसेस डाटा के सेट्स को क्या कहा जाता है। देखिए अभी यही प्रश्न पूछा गया है, तो प्रोसेस डाटा के सेट्स को हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा के सेट को हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन इसके अगली स्लाइड में है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, चार डिवाइसेस दी गई होंगी मे बी, और उसमें से आपका आउटपुट डिवाइस पूछा गया है। ये देखिए चार डिवाइसेस दी गई हैं और आउटपुट डिवाइस पूछी गई है, तो आउटपुट डिवाइस इनमें से आपकी हो जाएगी प्लॉटर, प्लॉटर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो देखिए टू कैलकुलेशन किसका प्रयोग किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो सीधा सा आंसर है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के लिए आपका ALU का प्रयोग किया जाता है। CU होता है कंट्रोल यूनिट, माउस का प्रयोग कंट्रोलिंग के लिए करते हैं, और CPU का ही एक पार्ट होता है आपका ALU। CPU के तीन पार्ट होते हैं, ALU, CU और MU, तीन पार्ट्स होते हैं आपके CPU के। तो कैलकुलेशन का जो काम होता है वो आपका ALU के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा TB, सबसे पहले KV आता है, उसके बाद आती है MB, उसके बाद GV, और लास्ट में सबसे बड़ी आपकी होगी TB, इसको कहते हैं टेराबाइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, 21, DVD इज बेस्ड ऑन, DVD आपका किस पे आधारित होता है। तो ये आपका होगा ऑप्टिकल डिस्क टेक्निक पे, DVD जो है वो आपका ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बात करते हैं, इनमें से DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। देखिए DVD से भी ज़्यादा डाटा किस में स्टोर होता है, CD-ROM में तो नहीं होगा, इसमें कम होता है, और इसका सही ऑप्शन होगा आपका ब्लू रे डिस्क,
ब्लू रे डिस्क में आपका डीवीडी से भी ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। अभी मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी सबसे तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी है और इसे एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है। देखिए मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, आप लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही वीडियोस को बनाने की। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो फैला दो वीडियो को, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो ट्रिपल सी या कंप्यूटर से संबंधित तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं, एक परिसीमा है कि हम उसे केवल देख सकते हैं, उसे मिटा नहीं सकते या उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा आपका होता है सीडी रोम में। सीडी रोम में जो भी डाटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हम लोग सिर्फ उसे देख सकते हैं, बाकी उसे रिमूव नहीं कर सकते या उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वीडियो का, देखिए इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा परम 8। क्लियर, परम 8000 आपका सही आंसर हो जाएगा, परम 8000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक मैं भी आपको वीडियो में करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोगों को वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है, फैलाना है अपने सभी दोस्तों के साथ। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है अपने दोस्तों से। जितना ज़्यादा आप लोग चैनल में लोगों को जोड़ लेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।